नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता हो चुका है या सभी लोगों को करीब करीब जानकारी हो गई होगी कि लेखपाल का रिजल्ट आ गया है, तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। हालांकि जानकारी तो सबको हो गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूचना हम बताएंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स गए हैं, यानी जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के आपके जो मार्क गए हैं वो करीब करीब सेम ही हैं। और अगर जनरल की बात करेंगे तो 3,271 लोगों को पास किया गया है, ओबीसी को 2,174 और ईडब्ल्यूएस को 798 लोगों को पास किया गया है। अगर एसटी की बात करेंगे तो 73.75 मेरिट है और 1,690 लोगों को पास किया गया है। एसटी वालों में कट ऑफ जो है वो 66.50 गया है, जिसमें 152 लोगों को पास किया गया है। पीडब्ल्यूडी के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि बहुत ही नियम कानून इतना बढ़िया यहाँ पे सेट किया गया है कि हंसी आएगी। बहरहाल फीमेल वर्ग का जो कट ऑफ गया है वो 75.50 यानी 1,604 लोगों को पास किया गया है। ईडब्ल्यू एक्स सर्विस मैन का जो है 66.50 है, 387 लोगों का है, और डीएफएफ का 70.50 है, 149 लोगों को यहाँ पे पास किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में कुल जब रिजल्ट आया है टोटल, तो उसमें 27,455 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। अब सोच लीजिए कि 27,455 यार, पोस्ट कितना है आपका, करीब करीब 8,000 प्लस है। अब इतना ज़्यादा लड़कों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, यानी पोस्ट का 3.39 गुना यानी 3.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। और ऐसी कंडीशन में कि अब तक तो इतना दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आया, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा लड़कों को बुला दिया गया है। तो लोगों के सभी लोगों को उम्मीद होगी कि हमारा हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 19,370 के आसपास लोगों को फिर बाहर कर दिया जाएगा, 5-6 महीने का इंतजार करवा करके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और रही बात सबकी शैक्षिक अर्हता जो है वो 12 है, यानी 12 पास वालों को है, तो ऐसे में सभी लोग 12 तो पास होंगे ही होंगे। तो ऐसे में जिन लोगों का कट ऑफ 75 या अपने अपने कट ऑफ के आसपास है, या एक नंबर से नहीं हो पाया है, या जो लोग 75 या 76 पे भी चले गए हैं, तो निश्चित है वो आगे चल के बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए यही है कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की है, सीएचएल की है, और वीडियो री एग्जाम का जो लोग हैं वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मेरिट अगर हम जनरल की बात करेंगे तो करीब करीब 78 प्लस जाएगी मेरिट। भले आप लोगों का हो गया है, आप इन कट ऑफ पे आ गए हैं, लेकिन अभी 19,000 के आसपास लोगों को बाहर करना है, ये बड़ी दुख की बात है। तो ऐसे में जो 78 प्लस ही होंगे, पॉइंट में जो भी होंगे 78 या 78 से आगे, वही लोग समझें कि हमारी ये नौकरी पक्की है। और रही बात यहाँ पे जो खेला किया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए, 309 लोगों को पास किया, 309 पोस्ट है, लेकिन जो पास किया गया है 4,006 कैंडिडेट के आसपास लोगों को पास किया गया है। यानी इसके लिए जो नियम बनाया गया है, एक अजीब सा नियम है कि इनके लिए जो नियम है कि अगर आप 0 नंबर ना पाए, यानी 0 से ज़्यादा पाए हों, तो ऐसी कंडीशन में सभी को पास कर दिया गया है। और पास करने का नतीजा ये है कि कितने लोग इसमें बाहर हो जाएंगे, यानी 309 पोस्ट है और 4,006 के आसपास लोगों को बुलाया गया है। तो ये बहुत हंसी के पात्र है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में मतलब जिन लोगों का डीवी के लिए बुलाया गया है, ठीक है उनका अनुभव काम करेगा आगे चल के, लेकिन इतना मान के चलिए कि इसी वैकेंसी पे आप लोग मत रहिएगा। अगर आपका 78 या 78 से ज़्यादा नंबर है तब तो ठीक है, लेकिन जो 76 और 77 के आसपास हैं, अपने कट ऑफ से प्लस 1.50 या 2 नंबर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सस्पेंस रहेगा, क्योंकि डीवी के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ऐसे में तमाम दिक्कतें हुई इस वैकेंसी को लेकर के, क्या पारदर्शिता बरत दी गई, कितनी वैकेंसी इसमें बिक गई है, जो नकल में लोग पकड़े गए थे वो कहाँ गया, उनका रिजल्ट इसमें है कि नहीं है, तमाम कटघरे में है ये रिजल्ट। लेकिन बहरहाल UP SSSC ने इस रिजल्ट को निकाल ही दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अब DB के लिए तैयार होना पड़ेगा,
अगर कुछ नामों में गलती है तो कोई बात नहीं है, आपको फिर उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिजल्ट आ गया। आप लोगों की खुशियां हैं, अच्छे तरीके से जाइएगा, अपने मार्कशीट लेके जितने भी कागज़ होंगे सभी लोग के लेके जाइएगा, ताकि कोई गलती कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर आपको मौका अपनी गलती सुधारने के लिए मिलेगा। इसी तरह हम वीडियो ले आप बना आते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।